हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे शेयर करने वाले एक होम रेमेडी जो कि आपकी स्किन को वाइट करेगी और आपकी स्किन को ब्राइट करेगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेमेडी। स्किन को वाइट और ग्लो करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल चाहिए होता है। अगर आपके पास प्लांट एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेमन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपको विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए होते हैं, या आपको मेडिकल स्टोर पर और कॉस्मेटिक शॉप पर आपको इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमें गुलाब जल चाहिए होता है और कॉटन चाहिए। एलोवेरा, एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। यह विटामिन ए बी सी नरिश करता है और हमें बीच में से टू पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं। हमें ये एक बाउल में एलोवेरा को हमने एक बाउल में ऐड कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें लेमन की ज़रूरत होती है। लेमन में विटामिन सी होता है और ये हमारी झुर्रियों को हटाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और स्किन। हमें एलोवेरा जेल में ही नींबू को ऐड करना है। अब हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करते हैं। हमने दो कैप्सूल ऐड करने हैं। इसे ऊपर से कट करके इसमें हमने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रोज वाटर ऐड कर। रोज वाटर के बाद हमें इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी होती है, जो कि मैं बताना भूल गई थी आपको। 1 टेबल स्पून हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करते हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्लिसरीन मिक्स करने के बाद हम इसको अपने हैंड पर या फेस पर अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो इसे हैंड पर अप्लाई करते हैं और जब ये अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए तो इसे हम 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप देख सकते हो ये अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है और आप इस कॉटन को भी देख सकते हो कितना डस्ट निकला है। आप इससे कंपेयर करके देखिए, आप अपनी स्किन पर जब अप्लाई करेंगे आपकी स्किन में से भी इसी तरह का डस्ट निकलेगा, ठीक है। अब हम इसे 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। आप अभी भी इफेक्ट देख सकते हो इसका, कितना अच्छा रिजल्ट आया है 15 मिनट के बाद हम इसे। सो गाइस, मैं अपना हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब।